चाकू कहाँ गया? चाकू कहाँ गया? ओह कमाल है, यहीं तो रखा था, देखते देखते गायब हो गया। इसमें भी नहीं है। पता नहीं हमारे घर में हर चीज अचानक कहाँ चली जाती है। ओके मोहिनी, रिलैक्स 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 एंड थिंक। अरे ये तो यही है, मेरे हाथ में कब आ गया? अरे ये टांग कैसे टूट गई तुम्हारी? अरे जरा सा कंट्रोल तो होना चाहिए अपने ऊपर, वरना जरा सी हवा चली और बस हड्डी पसली की खैर नहीं। तुम कोई कार तो हो नहीं कि पंक्चर लगवा दूं, ना ही इंसान हो कि पलस्तर लगवा दूं। क्या करूं? अब जवाब मत देना, रहोगे तो जिंदगी भर पौधे ही। काटना पड़ेगी टांग। सॉरी। अगर एमडी मुस्कुराते हुए आता है और इस लेफ्ट कुर्सी पे बैठता है, इसका मतलब है केस सॉल्व हो चुका है। और अगर एमडी कुछ सोच में डूबा हुआ आता है और इस राइट चेयर पर बैठता है, तो इसका मतलब है केस सॉल्व नहीं हुआ है। पर अगर एमडी मुस्कुराते हुए आता है और लेफ्ट की बजाय इस राइट कुर्सी पे बैठता है, फिर ओफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके मोहिनी, रिलैक्स 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 मोहिनी, रिलैक्स एंड थिंक। देख भाई गुलाब, बावजूद इसके कि तू लाल है, मैंने तुझे अपने सीने पर जगह दी है, लेकिन अगर इस जूही की जाती जिंदगी में दखल देने की कोशिश करेगा ना, तो मैं तुझे किसी गुलदान में खड़ा कर दूंगा, फिर ताकते रहना ड्राइंग रूम को किसी बुक की तरह। अरे भाई दूसरे की टेरिटरी हत्याने की कोशिश मत करो, खूबसूरत हो फूल ही बने रहो, घटिया इंसान बनने की क्या जरूरत है? चलो जूही से सॉरी को, सॉरी सॉरी कह रहा है जी। ओके रिलैक्स। अरे उदय तुम अंदर कैसे आए? ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है आंटी। आंटी? सॉरी मोहिनी, तुमने यूं नादान सी बात पूछ ली, मेरे मुंह से आंटी तो निकल ही गया। एमडी कहाँ है? क्यों, क्या बात है? एक केस है। एमडी कोई ऐरे गैरे केस नहीं लेता। मेरा पर्सनल केस है मोहिनी। एनीथिंग सीरियस? वेरी सीरियस। आई एम सॉरी, मुझे तो नहाने जाना है, अगर मेरी मदद की जरूरत है तो 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ओके नो प्रॉब्लम। वैसे एमडी कहाँ है? गार्डन में। हाँ उदय, अब केस डिस्कस करते करते नाश्ता करना है या नाश्ता करते करते केस डिस्कस करना है? एमडी पहले केस फिर नाश्ता। ठीक है एमडी, तुम इसे बता दो
पंजा लड़ाने में मैंने तुम्हें कितनी बार हराया है? हर बार तुम जीतते हो और मैं हर बार हारता हूँ। क्यों, अब मानते हो? मैं नहीं मानता। एमडी तो तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहा है। दिल रखने के लिए? तो अब तुम अपनी आंखों से देख लो एमडी। अभी उदय, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है यार। ओ कमॉन एमडी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत का सवाल है और मेरी? ओ कमॉन एमडी, बच्चे वाली बातें मत करो। यार ठीक है, लड़ाता हूँ पंजा। हाथ आराम से पकड़ना यार, नहीं तो बाद में दर्द होता। चलो समझे? चलो। एमडी, ये क्या है? ये नाश्ता है जो मैंने अभी किया है। किया नहीं है तो अब क्या करोगे? चलो मैं नए टोस्ट गरम करती हूँ, आप तैयार हो क्या? आज का दिन तो तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा है। सुबह सुबह उदय से हार जो गए, उदय खुश, रोहित खुश और एमडी बहुत खुश। घर से जाते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। जाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों जाते हो? तुमने परफ्यूम लगाया? क्यों? नहीं, नहीं। हाँ, जा मैं इसलिए रहा हूँ कि छुट्टियाँ सैंक्शन करा लो। इस बार कहाँ जाएंगे? मनी, ऐसा नहीं हो सकता कि छुट्टियाँ तुम सैंक्शन करा लो और कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड कर लूँ। जी नहीं, कहाँ जाना है वो मैं ही डिसाइड करूँगी। और अगर तुम छुट्टियाँ सैंक्शन करवाने जा रहे हो तो जाओ, आई डोंट माइंड। पूछा नहीं क्यों? छुट्टियों में पूरा वक्त तुम मेरे पास ही रहोगे ना? जाओ जाओ। एसक्यू कार 97 सर। इंस्ट्रक्टर सिंह सर, कल रात की गाड़ी से आए हो, सुबह नहाने का वक्त नहीं मिला सर। किसी का पीछा करो तो कभी परफ्यूम मत लगाओ, खुशबू अपने सुराग छोड़ जाती है सर। मेरे साथ काम करना चाहती हो सर? कॉफी सर? चीनी कितनी? एक चम्मच। सर आपको ये कैसे पता चला? मेरा नाम मीरा है, मैं रात की गाड़ी से आई हूँ और मैं नहाई नहीं हूँ। राइट सर। डीएसक्यू पास आउट बैच की फेयरवेल 20 जनवरी को होती है, राइट? राइट सर। आज 21 जनवरी रात 12 बजे तक पार्टी चलती है। मुंबई के लिए गाड़ी 1:45 बजे की है जो सुबह 8 बजे मुंबई पहुँचती है। करीबन 9:30 बजे तुम मेरे घर के आसपास थी, सुना नहीं सके। तुमने क्लोक रूम में अपना सामान रखा, क्लोक रूम की रसीद तुमने रास्ते में गिरा दी। इस पर आज की तारीख और तुम्हारा नाम, मेरा नायर।
ब्रिलियंट सर। एक डीएसक्यू कैरेट के लिए शर्म की बात है कि अपनी लापरवाही की वजह से एक रसीद खो दी। ये रसीद किसी केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकती थी। सॉरी सर। हालांकि इससे ये जरूर साबित होता है कि अगर तुम किसी अहम चीज पर ध्यान दो तो अपनी परवाह नहीं करती। तुम्हारा मकसद था मुझसे मिलना तो तुमने पूरा किया। गुड, कॉफी पियो, ठंडी हो रही। रुको, किसी की बात पर भरोसा मत करो। हो सकता है कॉफी गर्म, फूंक मार कर पियो, जबान जलने का डर नहीं रहेगा। सर, जब से मैंने डीएसक्यू ज्वाइन किया है आपके बारे में बहुत सुना है। आप बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, शार्प, इंटेलिजेंट, फियरलेस। फियरलेस। देखो मीरा, जब गोली चलती है तो मुझे भी उतना ही डर लगता है जितना तुम्हें लगता है। हाँ, मैं मौत से नहीं डरता हूँ क्योंकि मैंने उसे करीब से देखा कई बार, और जैसे आप करीब से देख लो उससे फिर वैसा डर नहीं लगता, है ना? राइट सर। सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। सही वक्त और हालात आने पर बुला लूँगा मैं तुम्हें। फिलहाल तुम मेरी कॉफ़ी के पैसे दे देना। मेरे साथ काम करना चाहती हो तो इतनी रिश्वत तो तुम्हें देना ही पड़ेगी। एक, दो, तीन और ये चार। जब एमडी को पता चलेगा ना कि तुम चाय में चार चम्मच चीनी लेते हो तो तुम तो गए। क्या? वो चॉकलेट जो तुम्हें मिलती है होमवर्क खत्म करने पे, वो बंद। क्या? अब मुझे क्या पता क्यों, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मोहिनी, एमडी ने तुमसे शादी कैसे कर ली? हेलो हेलो नंदिता, राहुल। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो नंदिता, राहुल। राहुल प्लीज होल्ड करो। हाँ प्लीज। हाँ बोलो राहुल। क्या हुआ? वो फोन उठाने भाग कर आई थी ना, तो तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी, मैंने दवा ले ली है। क्या कर रही हो? तुमसे फोन पर बात कर रही हूँ, और इससे पहले माँ मेरे बालों पर तेल लगा रही थी। इस वक्त यू नो, तुम्हारे चिपके हुए बालों वाली तुम्हारी चिप्पड़ शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इस हालत में तुमसे मिलने आ रही हूँ? इडियट, मैं शाम को शैम्पू भी करूँगी। कितने बजे मिल रही हो? आज नहीं राहुल। मतलब? राहुल कोई जरूरी काम है आज। मुझसे मिलने से भी ज्यादा जरूरी? हाँ राहुल, कल मिलती हूँ ना मैं तुमसे। कहीं जा रही हो? कहाँ? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कैसा सरप्राइज? इडियट, अगर बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे होगा? ओके, गिव मी अ हिंट। एक बहुत ही खूबसूरत घर, छोटा सा, तुम्हारा, मेरा, सिर्फ हमारा घर। रियली? हाँ, सोचो ना राहुल, अगर ये सपना सच हो जाए तो वंडरफुल। तुम और मैं, और संडे को तुमसे मिलने तुम्हारे डैडी भी आते रहेंगे। नंदिता, नंदिता, हेलो। इसकी तबीयत खराब हो गई है बेटा। वो ठीक तो है ना? तुम चिंता नहीं करो, रात को घर आ जाना। हाँ, खाना भी यहीं खा लेना। अरे ये भी 9 बजे तक आ जाएगी। हाँ ओके आंटी। अच्छा बेटा।
कितने बजे मिल रहे हो? डिनर पे। संजय यार, इस अस्थमा का कोई इलाज नहीं? क्या फिर से अटैक पड़ा? हाँ यार, बाई चांस अगर उसका पंप खाली हो गया तो क्या होगा? मर जाएगी, और क्या। कर यार, तुझे देख के तो मैं थक जाऊंगा। राहुल, अगर बुरा ना माने तो एक बात करो। बोल। नंदिता के बारे में है। बोल ना। कभी सोचा है तूने कि नंदिता तुझसे क्यों प्यार करती है? वजह तो नहीं मालूम, हाँ ये पता है कि प्यार करती है। देख, नंदिता एक बिना माँ बाप की इनसिक्योर सी लड़की, उसे सिक्योरिटी चाहिए, पैसे की सिक्योरिटी। मेरे ख्याल में तुझसे ज्यादा तेरी प्रॉपर्टी पर मरती है। मुझे बात पूरी कर लेने दे, मैं तेरा दोस्त हूँ। कॉलेज में कई अच्छे घरों की लड़कियां तुझे मरती, फिर क्यों तू उसके चक्कर में पड़ा है? तुझे गलत फहमी है उसके बारे में। नंदिता मेरे घर की हालत अच्छी तरह जानती है। लेकिन यह भी तो सच है कि जरूरत से ज्यादा वो अम्बिशियस है, हमेशा अमीरी के ख्वाब देखती है। सिर्फ अपने लिए तो नहीं, हम दोनों के लिए। फिर वो जो कुछ कर रही है उसमें मेरी खुशी, मेरा फ्यूचर भी तो शामिल है। ये तो वक्त बताएगा। नो संजय, शी रियली लव्स मी। तेरे घर वाले उसे अपनाएंगे? मैं चलता हूँ। बुरा मान गया यार। ये सब गिफ्ट्स किसने भेजे हैं माँ? सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर सिंघानिया साहब ने शगुन भेजा है। किस बात का शगुन? किस बात का शगुन माँ? उनकी इकलौती बेटी अंजू ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मुझे? अंजू? हाँ, अंजू सिंघानिया, बीकॉम में तुम्हारे साथ तो पढ़ती थी। ओह, दैट अंजू? यू मीन शी इज द डॉटर ऑफ द सिंघानिया? यस, द सिंघानिया, एंड यू आर द लकी बॉय शी इज चोजन। आई एम द लकी बॉय? यू मस्ट बी जोकिंग माँ। यू नो मैं नंदिता से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा सिर्फ उससे। इधर आओ। इधर बैठ। तुझसे दो तीन सवाल पूछूं? पूछो। हमारे कितने बच्चे हैं? इकलौता मैं। बचपन से किसी चीज की कमी होने दी तुझे? नो, यू आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। कभी किसी चीज के लिए मना किया? हमारी कितनी प्रॉपर्टी है? ये मकान और एक फैक्ट्री है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो तेरे नाना की सारी जायदाद, जिसकी मैं इकलौती वारिस थी, तेरे पापा को मिली। 6 कपड़े की मिलें और 2 करोड़ के शेयर्स। तेरे पापा ने संभालने की कोशिश तो की, पर उनमें वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। और अब हमारे पास क्या बचा? ये एक मकान और एक छोटी सी फैक्ट्री। अगर मेरा वो सब कुछ होता तो किसके लिए होता? किसका होता वो? तेरा। यू हैव दैट किलर इंस्टिंक्ट। लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है,
अगर सिंघानियास के यहाँ तेरी शादी होती है तो तुझे सब कुछ तैयार मिलता है, तू होगा और तेरी किलर इंस्टिंक्ट जो तुझे कहां से कहां पहुंचा देगी। आइडिया तो बहुत अट्रैक्टिव है माँ, लेकिन माँ मैं नंदिता से प्यार करता हूँ एंड आई कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट हर। राहुल, तुम्हारी माँ ने सिंघानिया साहब से वादा किया है, इसलिए आज शाम तुम वहां जाओगे, हो आओ। और फिर आइडिया भी तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, एक बार मिलाने में क्या प्रॉब्लम है? कौन किसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, ये आज शाम को हम बाप बेटा बैठकर डिसाइड कर लेंगे। हेलो हेलो हेलो, बोलो ना भाई। हेलो, अरे बोलो भाई। ओके बाय। आई लव यू नंदिता, आई लव यू। आइए साहब, बड़े साहब मीटिंग में हैं और अंजू बेबी स्विमिंग कर रही हैं। हाय हैंसम। हाय सिंघानिया अंकल, कहाँ हैं? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा लगा रही हो। आपका ऑफर कितना है मिस्टर सिंघानिया? माय ऑफर? तुम जैसी यंग, चार्मिंग और खूबसूरत लड़की के साथ बार्गेन करने को दिल नहीं करता। 10 लाख इधर या उधर, डजंट मैटर मच फॉर मी। तो आपको 1,40,00,000 में सौदा मंजूर है? I said done. Thank you, Mr. Singhania. दरअसल तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत जगह पे है कि मेरी बेटी को एक ही नजर में पसंद आ गई, और अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं किसी की जान तक ले सकता हूँ। She's very lucky. मेरी माँ ने ये प्रॉपर्टी बड़े चाव से खरीदी थी मिस्टर सिंघानिया, बट कुछ जरूरतें ऐसी आ गई हैं कि मजबूरन मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। Never mind. And forget about this word मजबूर. Pretty girl, तुम जैसी खूबसूरत लड़की कभी मजबूर नहीं हो सकती। जिंदगी में जिस काम से खुशी मिले उसी काम को करो, And don't think about anything else. शायद आप ठीक कह रहे हैं। कल सुबह 10 बजे अपने लॉयर को मेरे ऑफिस में भेज देना, बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। Okay, Mr. Singhania. तुम्हें अपनी बेटी और होने वाले दामाद से मिलवाता हूँ। Come. My daughter is a fitness freak. Oh, she loves swimming. Thank you. मेरी बेटी अंजू और मेरा होने वाला दामाद राहुल। नहीं उठा रही, लगता है फोन उठा के रख दिया। ओह शिट।
तू गधा है यार बिल्कुल। क्या जरूरत थी वहां जाने की? तू और क्या करता बोल? मम्मी और डैडी ने इस तरह जोर डाला कि मुझे जाना पड़ा। राहुल, जब तुझे उस लड़की से शादी करनी ही नहीं थी तो शादी करने थोड़े ही गया था यार। मैंने सोचा फिलहाल घर में हंगामा खड़ा करने से अच्छा है कि एक बार जाकर मिल आता हूँ सिंघानी और उसकी बेटी से, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि नंदिता वहां मिल जाएगी। अब सोच कि क्या करना है। एक बार और ट्राई करे। हाँ कर ले। खराब हो जाए। अब मैं तो दोनों तरफ से फंस गया ना यार। शिट। ऐसा क्यों सोचता है? वैसे सोच के देख। एक तरफ नंदिता, दूसरी तरफ सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक सिंघानिया, उसकी बेटी अंजू। तेरे पास तो दो दो चॉइस है यार। संजय, मोहिनी नहीं, उदय। उदय मोहिनी को फोन दो। पहले मुझसे तो बात कर लो। ये वक्त मोहिनी से बात करने का है। मोहिनी को फोन दो। देता हूँ बाबा, तुम तो सचमुच जोरू के गुलाम हो। हाँ हूँ। मोहिनी को फोन दो। हेलो। हाँ एमडी, क्या खबर है? खबर तो सब अच्छी है। ये बताओ कि आज बाहर खाना खाने चलोगी? नहीं, तुम पहले बताओ तुम्हें छुट्टी मिली कि नहीं? आज ऐसा करते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं। इसका मतलब है छुट्टियाँ मिल गई? हाँ मिल गई, परसों से। परसों से क्यों, कल से क्यों नहीं? कल का पूरा दिन है ना बातें करने के लिए। पहले तुम ये बताओ कि तुम बाहर आ रही हो या मैं घर पे आऊं? एमडी, तुम फोन रखो और सीधा घर पे आओ। मैं खाना घर पे बना चुकी हूँ। ओके बाय। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि मोहिनी खुश है या बहुत खुश है। हेलो, मैं सिंघानिया बोल रहा हूँ। सिंघानिया साहब, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मिस्टर खुराना, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा महसूस कराना नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंची है और उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि आई अंडरस्टैंड कि ये कोई बहुत बड़ी या अनयूजुअल बात नहीं है। जवानी के जोश में प्यार मोहब्बत वगैरह होता ही रहता है। आपके लड़के ने भी कर लिया? आई एम रियली सॉरी मिस्टर सिंघानिया। डोंट बी सॉरी मिस्टर खुराना। देखिए राहुल आपका इकलौता बेटा है। आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाए जो मेरी बेटी के साथ हुआ है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। और मेरी लड़की मेरी जिंदगी है। उस लड़की को बता दीजिए कि मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेना इतना आसान नहीं। आई अंडरस्टैंड सिंघानिया साहब। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो आई एम सॉरी। बाकी कभी भी किसी काम में मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जी जरूर। तीन साल तक एक लड़का मुझे यकीन दिलाता रहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। I really love you, नंदिता। I need you। सैकड़ों बार दोहराता रहा।
कसमें खाता रहा जिंदगी एक साथ जीने की, एक एक पल एक एक लम्हा हम एक परछाई की तरह 3 साल तक साथ जीते रहे, और इसी को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मान बैठी। और फिर अचानक अचानक मुझे पता चलता है कि ये सब कुछ महज एक वहम था। वो लड़का जिसे मैं अपना अपना वजूद, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ मान बैठी हूं, वो आज मुझे एक बेजान बेकार चीज की तरह अपनी जिंदगी से अलग कर देता है। और वो भी किस लिए? एक रईस खानदान की अमीर बेटी से शादी करने के लिए। नहीं मिसेस खुराना, ये गिरा हुआ इंसान जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, आपका बेटा राहुल नंदिता के लायक नहीं है। राहुल से बेहतर कोई और चीज आप पैदा नहीं कर पाई थी क्या? गुड, मुझे खुशी है तुमने खुद ही राहुल से अलग होने का फैसला कर लिया। वैसे आज मैं तुम्हें बताने आई थी कि राहुल की शादी तो सिंघानिया साहब की बेटी अंजू से होगी ही, लेकिन कल जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ये तमाशा दोबारा नहीं होना चाहिए। Are you trying to threaten me? समझती क्या है आप अपने आप को? I am a self-dependent girl. और नंदिता अब आपके बेटे के पीछे नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। I really loved him. मैं चाहती थी कि राहुल एक इज्जत की जिंदगी जिए, इसीलिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। मुझे क्या पता था कि वो एक बिकाऊ खानदान से है। फादर ने राहुल के पापा को खरीदा और अब आप राहुल को सिंघानिया के हाथों बेच रही हैं। वो बेचारा तो सिर्फ अपने खानदान की परंपरा को निभा रहा है। बोली लगाने का एक मौका मुझे भी दे दीजिए। कितना चाहिए आपको? 10 लाख? 20 लाख? बस बहुत बोल चुकी तुम। एक बात याद रखना, जरूरत पड़ने पर मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं बोलने में कम और करने में ज्यादा यकीन रखती हूं। जिस चीज के पास ना रहने से तुम्हारी जान जा सकती हो, उसे हमेशा अपने करीब रखा करो। हाँ तो मोहिनी, तुमने सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली? कंप्लीट कर दी। वैसे छुट्टियों पे हमने कल रात को जाना है और तुमने आज रात को ही पूरी पैकिंग कंप्लीट कर दी। कल मुझे बहुत सारे और भी काम है एमडी। हाँ सो तो है। अच्छा सुनो, तुमने कल रात को गाड़ी चलानी है, तुम आज सो जाओ। हाँ ये बात ठीक है, मुझे कल रात को गाड़ी चलानी है इसलिए मैं आज रात को सो जाता हूँ, है ना? राइट। दूध पिया? पिया। दवाई खाई? खाई। ब्रश किया? किया। सुसु किया? सुसु किया। कुछ मीठा तो नहीं खाया? नहीं, मैंने पूरा किचन तलाश किया, मुझे कुछ मीठा मिला ही नहीं। कहाँ रखा है तुमने मीठा? जाओ सो जाओ। ओके। एट लास्ट छुट्टियां।
हेलो, कौन है? तुमने मेरी आवाज ही नहीं पहचानी संजय। नंदिता, तुम मुझे प्यार करते हो ना संजय? Do you love me? Do you love me, Sanjay? I know you love me. Yes, I love you, Nandita. ऐसा क्यों होता है संजय कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको प्यार ही नहीं करता? हम जैसे तुम मुझे प्यार करते हो लेकिन मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करती। मैं राहुल को प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझे प्यार ही नहीं करता। ऐसा कैसे बोल रही हो नंदिता? तुमने शराब पी है क्या? संजय, मैंने आज कुछ लिखा है, बस तुम आज सिर्फ सुनोगे, बोलोगे कुछ नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहती हूँ संजय, सुनाओ। सुनाओ। जिंदगी में हमेशा हर किसी के लिए बेकार साबित हुई हूँ। 7 साल की थी, पापा गुजर गए, माँ चिड़चिड़ी गुसेल हो गई, जाकर भी मुझे प्यार ना दे सकी। फिर माँ के और मेरे बीच वो आदमी आ गया जो मेरे लिए हमेशा सिर्फ माँ का पति था। मेरा बाप कभी ना बन सका, माँ को अस्थमा था, वो मर गई, मैं एकदम अकेली हो गई। फिर मुझे राहुल मिला, मैंने उस पर भरोसा किया पर वो भी बिकाऊ निकला, सिंघानिया के हाथों बिक गया, उसकी माँ ने उसे बेच दिया अपने बाप की खोई हुई दौलत वापस पाने के लिए। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना संजय, इसीलिए मैं तुम्हें मुझसे आखिरी बार बात करने का सम्मान दे रही हूँ। क्या मतलब? मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मतलब? मैंने स्लीपिंग पिल ले लिए। नंदिता, हेलो, नंदिता, नंदिता, हेलो, डॉक्टर देसाई क्लिनिक। पेट साफ कर दिया है मैंने, काफी हैवी डोज लिया था। मैं अपने कमरे में हूं, जाने से पहले मिलके जाना। थैंक यू। यार संजय, कोई पुलिस केस तो नहीं बन जाएगा ना? तू सिंघानिया की बेटी से शादी कर रहा है? पागल हो गया है तू? प्यार करता है तू नंदिता से? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? इधर आ। राहुल, ये जो मासूम सी जान वहाँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, बहुत प्यार करती है तुमसे, और मैं इससे। संजय, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संजय, मैं नंदिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और शादी कर लो। कहाँ? कहीं भी, इस शहर से दूर। अगर कैसे? नंदिता टैक्सी से जाएगी, तुम अलग से पहुंचोगे अपनी मोबाइक पर। तुम अपनी मोबाइक दहसर नाके वाले ढाबे पर छोड़ दोगे, मैं मोबाइक वहां से ले लूंगा, नंदिता वहां मौजूद होगी। Thank you.
मोनी, इस ढाबे की दाल फ्राई दूर दूर तक मशहूर है। अच्छा आओ। सुनो भाई, एक काम करो, दो दाल फ्राई ले आओ और तंदूरी रोटी। एक मिनट, मक्खन डलवा लूं? डलवा लो। मक्खन डाल के लाना। मक्खन डल रहा है तो अब पता चल रहा है कि छुट्टियां शुरू हो गई। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वरना केस का क्या है? कभी तुम केस को ढूंढते हुए उसके पीछे जाते हो, कभी केस तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे आ जाता है।